मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में न्याय की आवाज को दबाने के लिए प्रशासन ने गांधीवादी तरीके से धरना दे रहे 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के बराठी गांव में 3 दिन पहले 7 नवंबर को अपने खेत में पानी देते समय शाम करीब 7 बजे अज्ञात लोगों ने जसवा रैकवार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके साथ ही गुलाबपुरा निवासी रामचरण केवट का संदिग्ध हालत में कुएं में मिले शव की घटना के खुलासे तथा आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कल समाज सेवी एपी सिंह बुंदेला के नेतृत्व में करीब आधा सैकड़ा लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार सहित पुलिस प्रशासन को सौंपा था, जिसमें आज के दिन 12 बजे से धरना देने की बात भी कही गई थी, जिसके चलते समाज सेवी एपी सिंह बुंदेला पृथ्वीपुर में अपने समर्थकों सहित गांधीवादी तरीके से नियमानुसार धरना दे रहे थे, जिसे प्रशासन द्वारा आज मौके पर पहुंचकर न केवल जबरन धरना हटाया गया बल्कि एपी सिंह बुंदेला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस थाने में बंद कर दिया गया। इस घटना को लेकर एपी सिंह बुंदेला का कहना है कि न्याय की आवाज को दबाने के लिए मुझे गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इससे आवाज दबेगी नहीं और यहां से छूटने के बाद पूरे विधानसभा क्षेत्र में इस मांग को लेकर आंदोलन किया जाएगा और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उक्त घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। बताइए भी तो आपको गिरफ्तार क्यों किया? हमें गिरफ्तार इसलिए किया कि बरेठी के जसुआ केवट की हत्या हुई थी 7 तारीख को, 7 नवम्बर को, और गुलाबपुरा में रामचरण केवट की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या की शक था घर वालों को, उनको न्याय दिलाने के लिए कल हम ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार के माध्यम से भेजा था, SDOP थाने में आवेदन भी दिया था, पर आज 12 बजे से हम अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे थे कि अपराधियों को पकड़ा जाए, उन्हें सजा दी जाए और जेल भेजा जाए। तो फिर क्या हुआ? तो आज अभी शाम को तहसीलदार साहब, थाना प्रभारी पृथ्वीपुर मौके पर गए पुलिस बल लेके और हमें गिरफ्तार किया और हमने कहा थाने चलो, हमने गिरफ्तारी करके थाने ले आए। कितने लोगों को गिरफ्तार किया आपके साथ? 5 लोगों को। अच्छा, क्या बोल रहे, क्या कहना है प्रशासन का? प्रशासन का ये कहना है कि आप अनशन पर क्यों बैठे हैं और CM वगैरह का कार्यक्रम है और आप हटिए यहाँ से, हमने कि हम नहीं हटेंगे, यदि हटिए यहाँ से हम नहीं हटे तो फिर कोई जबरदस्ती पकड़ के लाए। यानी आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश की? आवाज़ दबाने की कोशिश की गई है और हमारी मांग है कि जसुका केवट के हत्यारों को सजा मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए और हमारी बात शासन प्रशासन तक पहुंचना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से भी हमारी मांग है कि ये हत्यारों को सजा मिलना चाहिए और मोहनगढ़ थाना प्रभारी के द्वारा 1 हफ्ते से 2-2 मामलों में कोई जिम्मेदारी से काम नहीं किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर न्याय केवट समाज को मिलना चाहिए। गिरफ्तारी के बाद भी आपका आंदोलन जारी रहेगा? हमारा आंदोलन जारी रहेगा और अब बृहद रूप से पूरी विधानसभा, पूरे जिले भर की जनता जनार्दन को लेकर हमारा आंदोलन, जब तक जसुका केवट के हत्यारे जेल में नहीं होंगे जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हत्यारों को टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।